सो हाई गाइज, हम सी एस आई नेट का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू ऑफ द पॉसिबल टर्म सिम्बल्स आर 1s और 3p, द रिमेनिंग टर्म इज. तो इसमें देखिए कैसे निकालते हैं, पूरे का माइक्रो स्टेट्स निकाल लेंगे सबसे पहले. ठीक है, कैसे निकालते हैं? आप सोचिए कि आपको दिया है p4 है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल p में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, p वाले ऑर्बिटल में 6 होता है, तो 6 का फैक्टोरियल. ओके, पी में अभी 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल. अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? देखिए 6 5 3, अरे सॉरी यहाँ पे 4 भी होगा, 4 3 2 1. ठीक है, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 × 1 × 2 × 1, ये 4 से लेके 4 3 2 1 कट गया, 2 है, 2 3 6 तो 15 हो गया. ठीक है, 15 हो गया, 15 फैक्टोरियल टोटल है. अब देखिए इसमें दिया है s1, 1s का भी आप निकाल सकते हैं ना. माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं? 2s + 1 2l + 1, 2s + 1 तो है ही, और s में क्या होता है, l = 0 होता है, मतलब 2s + 1 × 2l + 1 होता है. l यहाँ 0 होता है तो 1 है, ठीक है, 1 × 1 तो 1. देखिए 2s + 1 है वो 1 है, ठीक है, 2l + 1 क्या है, देखिए l की वैल्यू इसमें कितनी होती है, 0 होता है. ठीक है, तो 2 × 0 + 1 मतलब 0 + 1 1, तो ये 1 हो गया, तो s का फैक्टोरियल क्या है, 1, अरे माइक्रोस्टेट्स नंबर ऑफ 1 हो गया. 3p का देखिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, वही 2l + 1 2s + 1, तो sp 0 1, तो 2 2s + 1 2 × l का वैल्यू क्या है, 1 + 1, यानी कितना है, 2 + 1 3 3 3 9 9. ठीक है, 9 हुआ, 9 + 1 10, तो 10 था. देखिए 10 इन दोनों को मिला के 10 हुआ, टोटल 15 था. देखिए यहाँ से निकाले थे 15 - 10, तो अब देखिए 5 फैक्टोरियल, अरे 5 माइक्रोस्टेट्स किसका है, वही इसमें से पॉसिबल टर्म सिंबल होगा. ओके, अब देखते हैं. तो देखिए जो फर्स्ट वाला है d1, ठीक है, इसका निकालते हैं, 2s + 1 तो दिया ही है, 2l + 1 कैसे होगा, 2 × देखिए sp d 0 1 2, 2 × 2 + 1 यानी 2 2 4 + 1 5, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसका 5 निकला. ओके, थैंक यू.